देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। बैंक ने कहा है कि मंदी की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और बैंक ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि किस तरह से GDP में और भी गिरावट आ रही है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से कई बड़ी एजेंसियां, मूडीज से लेकर अन्य तमाम एजेंसियां, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर कई एजेंसियों ने मोदी सरकार को लगातार चेतावनी दी है कि बाज़ार में जो मांग में कमी आ रही है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और यही वजह है कि GDP की दर लगातार गिरती चली जा रही है। अब SBI द्वारा जो चेतावनी दी गई है उसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले आंकड़े भी दिए हैं और इन आंकड़ों के दम पर उन्होंने यह बताया है कि इन दोनों बाज़ार में मांग बिल्कुल नहीं है, मांग ठंडी है और कुल मिलाकर उपभोक्ता मार्केट की हालत बेहद ख़राब है। इस चेतावनी के बाद अब यह माना जाना चाहिए कि मोदी सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है मंदी से निपटने के लिए, क्योंकि बाज़ारों की ख़राब हालत को देखते हुए लोग भी अब कह रहे हैं कि इस बार दीपावली फीकी रही और इसके साथ ही मांग में लगातार दीपावली के बाद भी कमी आती जा रही है। अलग अलग सेक्टर में मांग की कमी के कारण ग्राहकी नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। शहरों में ऐसा बताया जाता है कि 30% बिजनेस कम हुआ है तो गांव में 70% बिजनेस कम हुआ है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।